इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग किस तरफ से यूपीआई पिन बना सकते हैं विदाउट एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड छोड़ के। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और ये ठीक ठाक से अभी तक लागू नहीं हुआ है, मतलब 100% ये ठीक ठाक से चालू नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका अकाउंट में ये होगा कि नहीं और आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं तो आपको पहले चेक करना है। ठीक है, क्या होता है, अभी 5% यानी 100% से 5% पीपल का ये प्रोसेस होता है। ऑल टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, मतलब ऑल टर्म्स एंड कंडीशन उसका अकाउंट में है मैच करता है उसके बाद होता है, बट काफ़ी सारे अकाउंट में टर्म्स एंड कंडीशन मैच करने के बाद भी नहीं होता है, कुछ एरर दिखाते हैं उसके, मतलब उसके बाद भी नहीं होते हैं। सिर्फ मैं आप लोगों को ये प्रोसेस दिखा रहा हूँ जो आप किस तरफ से इसको ट्राई करना है, तो ट्राई करने से आप कैसे कर सकते हैं, होता है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है जो हमारा वीडियो आप देखेंगे तो आपका यूपीआई पिन मतलब बिल्कुल 100% सेट हो जाएगा। बहुत सारा वीडियो में क्या बताते हैं ना, जो हमारा मतलब मैंने यूपीआई पिन अभी बनाया है, देखिए वो लोग क्या करते हैं, एटीएम कार्ड से यूपीआई पिन बना लेते हैं, सिर्फ आधार कार्ड का प्रोसेस दिखाते हैं, उसके बाद 50% प्रोसेस दिखा के रुकावट कर देते हैं। इसीलिए 50% वीडियो दिखाते हैं, प्रोसेस दिखाते हैं और नेक्स्ट स्टेप का प्रोसेस नहीं जाते हैं। ठीक है, यही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, हम भी उधर रुकावट मतलब रुके हुए हैं। तो आप शायद आप इसको ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आप लोगों को एक प्रोसेस दिखाता हूँ। पहले जो भी आप यूपीआई ऐप यूज करते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे, कोई भी यूपीआई ऐड करते हैं, यूपीआई ऐड करने के टाइम में क्या पड़ता है, आपको एटीएम कार्ड देना पड़ता है। बट एक ऑप्शन आया है, आप आधार कार्ड से भी अपना एटीएम कार्ड सेट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये एकदम लीगल एक ऑप्शन है जो सिस्टम के मतलब भीम यूपीआई की तरफ से निकल गया है, जो आधार के थ्रू भी आप यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। किस तरफ से, एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन पूरे होने से आपका ये काम हो सकता है। कैसा, एक नंबर आपका जो बैंक अकाउंट में जो नंबर दे के रखे हैं वही नंबर आपका फ़ोन में रहना चाहिए, मतलब वही सिम आपका फ़ोन में रहना चाहिए। इसके बाद एक भीम का अकाउंट चाहिए, मतलब भीम ऐप जो होता है भीम का अकाउंट चाहिए, और उस वो अकाउंट भी उसी नंबर से बना हुआ है होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद ये जो सिस्टम है बहुत सारा बैंक का सिस्टम में नहीं है। ठीक है, बहुत सारा बैंक का ये जो सिस्टम, कुछ कुछ बैंक ने अपडेट किया है, कुछ कुछ बैंक अभी तक अपडेट नहीं किए हैं, तो वो आपको चेक करना है। तो अभी पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद भीम ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो मैं प्ले स्टोर में जाता हूँ, ये देखिए ये वाला ऐप्स। ठीक है, ये वाला ऐप्स को आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के टाइम में आपको क्या बताएगा, आपका मोबाइल नंबर देना है, यानी जो नंबर आपका बैंक में रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर देना है। उसके साथ एक चीज़ और अब मैं आपको बताना भूल गया हूँ, आधार कार्ड के साथ भी यही मोबाइल नंबर ऐड करके रखना है, मतलब ये मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अभी अभी देखिए ये बता रहा है पिन देने के लिए बोल रहा है, मैंने पहले से इस अकाउंट को एक्टिव करके रखा हूँ। आप जब ओपन करेंगे लैंग्वेज चूज करने के लिए बताएगा, उसके बाद अपना नंबर देने के लिए बताएगा, नंबर देने के बाद जो नंबर दिए है वो कौन सा सिम में है, एक और दो कौन सा सिम है, वो सिम चूज करने के लिए बताएगा। उसके बाद आपका सिम जो है वेरीफाई होगा। ठीक है, सिम वेरीफाई करने के लिए आपका SMS पैक रहना चाहिए, इसलिए वो लोग मतलब SMS सेंड करता है, इस तरफ से सिम को वेरीफाई करता है। सिम वेरीफाई करने के बाद ऐड बैंक अकाउंट में जाके बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है। उसके बाद पिन सेट करना पड़ता है, 4 डिजिट का पिन आप एक बार एंटर करेंगे, उसके बाद कॉन्फर्म पिन करना है, उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका पिन जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फिंगरप्रिंट देके इधर लॉगिन हो जाता हूँ। फिंगरप्रिंट देके जब आप लॉगिन हो जाएंगे ना, लॉगिन होने के बाद देखिए दोस्तों इधर आपको क्या करना है, इधर पहले वाला ऊपर में जो बैंक अकाउंट जो दिखाई रहा है ना, बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद देखिए अपना जितना भी सारा बैंक अकाउंट है वो दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं है तो आप इधर प्लस में क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो मैं प्लस में क्लिक किया हूँ। क्लिक करने के बाद इधर बैंक अकाउंट ऑप्शन में जाना है। बैंक अकाउंट ऑप्शन में जाने के बाद देखिए दोस्तों आपका इधर जो बैंक है वो बैंक सर्च कर लेना है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं पंजाब बैंक को ऐड करना चाहता हूँ। देखिए पंजाब बैंक आ चुका है। पंजाब बैंक में जब आप इसके ऊपर क्लिक करना है, एक बार क्लिक करने के बाद ये देखिए ये बोल रहा है नो अकाउंट फाउंड, मतलब ये बैंक ऑलरेडी हमारा ऐड है। तो आप जब इस अकाउंट को चूज करेंगे, आपका सिम वेरीफाई करेगा, सिम वेरीफाई करने के बाद कुछ टाइम के बाद ये बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद देखिए दोस्तों आपको इधर शो करेगा आपका पूरा जितना भी सारा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट शो करेगा। इसके बाद आप आधार कार्ड से इसको सेट कर सकते हैं कि नहीं, किस तरह से आपको पता चलेगा, इधर आपको ये देखिए ये बैंक के साइड में एक छोटा सा एरो है। ठीक है, ये वाला एरो। ठीक है, इस एरो में आपको क्लिक करना है।
एरो में जब क्लिक करेंगे इस तरफ का एक पेज आएगा छोटा करके पॉपअप ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद इधर देखिए सेट यूपीआई पिन तो आपका रहेगा, पिन आप इसके पहले यूज मतलब किए हैं नहीं तो, तो देखिए मैंने इसका पहले एटीएम कार्ड से इसका पिन सेट करके रखे हैं, तो आपको आपका इस बैंक का यूपीआई पिन सेट नहीं है तो ये इधर दिखाएगा जो आपका पिन सेट करने के लिए, इधर ही दिखाएगा यूपीआई पिन सेट करने के लिए। बट हमारा पिन सेट है तो मैं क्या करूँगा फॉरगेट करूँगा, ठीक है तो फॉरगेट यूपीआई पिन में चला जाऊँगा। फॉरगेट यूपीआई पिन में जब चला जाएंगे देखिए इधर दो ऑप्शन आ गया है, डेबिट कार्ड और आधार कार्ड। आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद पॉसिबल वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। देखिए पॉसिबल वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद इधर कुछ डिटेल्स बताते हैं जो हाँ इस तरफ से ये काम करता है और इस तरफ से आपका जो यूपीआई पिन है सेट हो जाएगा। तो इधर एक्सेप्ट करना है, बट देखिए इधर एक एरर आ चुका है आधार कार्ड इज नॉट लिंक, तो इसी वजह से हम लोग क्या होता है इधर ही रुक जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ, मेरा एक दोस्त ने किया था, चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, रुकिए। देखिए जब आप आधार कार्ड देके एंटर करेंगे तब आपको देखिए इधर बताएगा जो आधार कार्ड का फर्स्ट 6 डिजिट एंटर करने के लिए, ठीक है तो वो इधर 6 डिजिट एंटर करना है, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको क्या बताएगा आपका सिस्टम सही है, ठीक है सही है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप लेके जाएगा ओटीपी देने के लिए बताएगा। आधार नंबर पे जो ओटीपी है आधार कार्ड आधार मतलब आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर ऐड करके रखे उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी को आपको इधर एंटर करना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद आपको पिन सेट करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, पिन एक बार एंटर करेंगे उसके बाद दो बार पिन एंटर करना है मतलब कॉन्फर्म पिन करना है, जो पिन दिया उसके बाद फिर से वही पिन देना है, उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका जो पिन है वो सेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो के पहले मैं आपको बता चुका हूँ जो ये प्रोसेस आपका अकाउंट में होगा कि नहीं मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है सर मैं आप लोगों को ये प्रोसेस बता दिया हूँ जो आप किस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है तो इसी तरह से कर सकते हैं। बट मेरा जो दोस्त है वो कंप्लीट नहीं कर पाया, देखिए अटेम एक्सटेंडर मतलब ये बहुत सारा बार ट्राई कर लिया बता रहा है इस तरह का एरर रहा है, इसका अकाउंट में सब कुछ सही है, KYC भी है आधार कार्ड भी ऐड है सब कुछ है, उसके बाद भी इन्होंने नहीं कर पाया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ जो आप ऐसा नहीं है जो आपका यूपीआई पिन सेट हो जाएगा, ठीक है हो सकता है आप एलिजिबल हो और आपका सब कुछ ठीक हो तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक बार यूपीआई पिन सेट हो गया है तो आपको क्या करना है कोई भी अकाउंट में कोई भी ऐप में आप मतलब बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद यूपीआई पिन सेट करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है इधर बैंक प्रोफाइल में आना है, फ़ोनपे का आप यूज़ करते हैं तो फ़ोनपे में क्या करना है उधर यूपीआई पिन सेट कर लें। इसके बाद देखिए ये बैंक अकाउंट पहले से ऐड करके रखे थे तो इसको क्या करना है रिमूव कर देना इधर से, इधर देखिए मैं आपको एक बात एक चीज़ बताता हूँ, इधर इधर देखिए अनलिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करके इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद फिर से आपको क्या करना है इधर स्क्रॉल करके जाना है, इसके बाद इधर ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके वही वाला बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना है जिसका यूपीआई पिन आपने अभी सेट किया, तो उसके बाद से आपका कोई भी पिन देने का जरूरत नहीं है, यूपीआई मतलब कोई भी पिन सेट करने का आपको बताएगा नहीं, इसलिए वो पिन ऑलरेडी सेट हो चुका है, ठीक है। यही है कुछ डिटेल्स जो आप लोग किस तरह से अपना विदाउट ATM कार्ड के थ्रू यूपीआई पिन को सेट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए, नमस्ते।